हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, यह CFL नहीं जलता है, यानी कि यह खराब है। अब हम इसे खोलते हैं। इस CFL बल्ब को हम स्क्रू ड्राइवर के मदद से देखिए खोलते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे सावधानी पूर्वक इसे खोलनी चाहिए। देखिए यह खुल गया। देखिए इस सर्किट में यह एक वायर दो वायर इधर है और एक वायर दो वायर इधर है। ये दो वायर देखिए इधर इसमें चला गया है और इधर का जो दो वायर है यहाँ चला गया है, यानी कि एक साइड दो वायर है और एक साइड दो वायर है। तो अब हम इसे सोल्डरिंग आयरन से इसे छुड़ा देते हैं सर्किट से। दोस्तों हमें अब यह पता करना है कि इसका ट्यूब खराब है या सर्किट। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, देखिए ये दो वायर इधर है और इसका दो वायर इधर है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस ट्यूब को हम सीरीज लैंप से कैसे चेक करते हैं। देखिए हम अब इस ट्यूब को सीरीज लैंप से चेक कर रहे हैं। देखिए इधर वाला दो वायर है उसमें हमने सटाया और ये सीरीज बल्ब जो है पूरी तरह से जल गया। देखिए पूरी तरह से जल रहा है ये बल्ब। और इधर जो दो वायर है इसमें मैंने फिर सटाया, इसमें भी बल्ब पूरी तरह से जल रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से जल रहा है। इसका मतलब यह है कि यह ट्यूब बिल्कुल ओके है। अगर पूरी तरह बल्ब जले तो समझ लीजिए कि आपका ट्यूब बिल्कुल ओके है। दोस्तों अब हम इस सर्किट को बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ से 220 वोल्ट एसी सप्लाई का जो वायर है उसे हम खोल लेते हैं इस प्रकार से, और इसके जगह पर हम नया सर्किट लगाते हैं। जिस प्रकार हमने पुराने वाले सर्किट को खोला है उसी प्रकार नया वाला सर्किट को लगाएंगे। देखिए यहाँ 220 वोल्ट एसी सप्लाई का जो दो वायर है इसे दोस्तों आप गलत जगह कभी भी नहीं लगाएं। अगर गलत लग गया तो आप जैसे ही इसमें सप्लाई लाइन देंगे इसका सर्किट तुरंत ही खराब हो जाएगा। देखिए इस प्रकार अब हम यह ट्यूब लगा देते हैं जिस प्रकार हमने इसे पुराने वाले सर्किट से खोला था उसी प्रकार लगाना है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि जब हम CFL बल्ब रिपेयर करने के लिए सोचते हैं तो यह नहीं जान पाते हैं कि इसका ट्यूब खराब है या फिर इसका सर्किट। इसे समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसी बात को हमने इस वीडियो में बताया है कि अगर ट्यूब सही है तो किस प्रकार आप समझेंगे, हमने इसे समझाने की कोशिश किया है। तो यह देखिए हमारा यह CFL बल्ब तैयार हो गया है। अब हम इसमें सप्लाई लाइन देते हैं। देखिए ये जल रहा है। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।